हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सी सेट 2014 के पेपर के बारे में, जिसके अंदर जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, और ये भी चेक करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से हम उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सी सेट के लिए पी वाई क्यू आपको प्ले लिस्ट प्रोवाइड करवा दी गई है, जिसमें आपको सारे पी वाई क्यू मिल जाएंगे रिलेटेड टू सी सेट और मैथ रीजनिंग के ही मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके अलावा आप ये फिरदौसी बैच को फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट आपको अर्थमेटिक मैंने बेसिक टू हाई लेवल है वो करवाया हुआ है, जो कि आपके हर एक एग्जाम में काम आएगा। अगर आप सी सेट की बात करेंगे तो सी सेट के अंदर जितने भी आपके रीजनिंग के रिलेटेड टू अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ से आप फॉलो करके पढ़ के आप इजिली उनको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा रही बात हमारे पास सी सेट के पी वाई क्यू के लिए, तो सी सेट आप इसको चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको यूपीएससी सी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे मैथ के भी और रीजनिंग के भी। ठीक है, 2022 से लेकर जितने भी एग्जाम हुए सबका आपको पी वाई क्यू यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप मान लो यहाँ पे रीजनिंग सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप एफ कैड का कोर्स है, एफ कैड के कोर्स को आप जाके रीजनिंग वहां से फॉलो कर सकते हैं, या फिर सी ए पी एफ का एक कोर्स है वहां से आप रीजनिंग फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर सिस्टम, सी डी एस के पी वाई क्यू, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे आपके लिए काफी प्लेलिस्ट में सेशन मिलेंगे जिसको आप बेनिफिशियल तरीके से अपने पेपर रिलेटेड पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आप पढ़ना है वो आप खुद ही यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपके 5 मिनट जरूर लगेंगे चेक करने के लिए कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपके काम की होगी या नहीं। ठीक है, इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम यहाँ पे एक ग्रुप का नाम भी अप्लाई कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आप अपना डाउट सेंड करके अपना सोल्यूशन मंगवा सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट मुझसे बात करना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकता है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देयर आर 7 पर्सन अप ऑन ए लैडर ए बी सी डी ई एफ जी नॉट इन ए ऑर्डर, ए इज फर्दर अप देन ई बट इज लोअर देन सी, सी बी इज इन द मिडल, जी इज बिटवीन ए एंड बी, ई इज बिटवीन बी एंड एफ, एफ इज बिटवीन ई एंड डी, द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लैडर विल बी। तो सबसे बॉटम में कौन होगा ये पूछा गया। सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 7 है, तो यहाँ पे आप 7, 1, 2 से लेकर आप 7 तक नंबरिंग कर सकते हैं जैसे आप करना चाहो। तो यहाँ से देखो 6, 7 हो गया यहाँ पे, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 1, 2 आप ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसे कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, मैं इनको लाइन वाइज ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर बी जो है वो मिडल में है, तो मिडल यहाँ पे होगा, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि 4 ही नंबर इसका मिडल होगा। आगे लिखा हुआ है जो हमारे पास बी अगर मिडल में है तो उसने लिखा है जो जी है वो ए और बी के बीच में है, मतलब अगर मैं ए को यहाँ पे बिठाऊंगा तो जी यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर ए को यहाँ पे बिठाऊंगा तो जी यहाँ पे हो जाएगा। ए बी के ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है, उसके ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। आगे लिखा हुआ है जो है वो ई है, ई हमारे पास बी और एफ के बीच में है, तो बी यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे होगा तो ई यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी एफ और बी और एफ के बीच में ही आएगा, और बी और ई एफ के बीच में अगर ई रखना है तो एफ यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे आ सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनती जा रही है यहाँ पे, ये भी हमारे पास कंडीशन फुल हो चुकी है। आगे लिखा हुआ है जो एफ है वो ई और डी के बीच में, जो हमारे पास एफ है ई और डी के बीच में है, तो ई ये रहा तो डी को ऊपर बिठाना पड़ेगा तभी एफ यहाँ पे होगा। आगे हमारे पास ई यहाँ पे है तो एफ अगर बीच में बिठाना है तो डी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। 2 कंडीशन के अलावा आपके पास सारी कंडीशन फुल हो गई है सिवाय पहली के, तो पहली था ए इज फर्दर अप देन ई, जो ए है वो ई से ऊपर होगा, आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ई हमारे पास ऊपर हो गया ए से, ये तो उल्टा हो गया, हमें ए को ऊपर करना है, इसका मतलब है ये कंडीशन आपकी गलत है, ये सही होगी। आप चेक भी कर लो, जो हमारे पास ए यहाँ पे है वो हमारे पास ई से ऊपर आ चुका है, और लिखा हुआ है जो सी है उससे नीचे है, तो सी सबसे ऊपर बिठाएंगे तो सी से नीचे अपने आप ही ए आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या क्वेश्चन है कि बॉटम पे कौन बैठेगा, तो बॉटम पे डी बैठेगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। जैसे ही सेकेंड क्वेश्चन आएगा तो वीडियो पॉज करके आप जितने भी क्वेश्चन है खुद भी ट्राई कर सकते हैं। कंसीडर दैट ए इज टॉलर देन बी, सी इज टॉलर देन ए, डी इज टॉलर देन सी, ई इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो इनमें पूछा गया इफ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट हु विल बी ऑक्यूपाई द मिड पोजिशन, तो मिडल में कौन होगा ये पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने मेरे पास यहाँ पे 5, तो ए जो है वो बी से ऊपर है, तो ए हमारे पास बी से ऊपर होगा, सी जो है वो ए से ऊपर है, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ए जो है वो बी से ऊपर है, आगे लिखा हुआ है सी जो है वो ए से ऊपर है, तो सी यहाँ पे होगा, डी जो है वो सी से ऊपर है तो यहाँ पे होगा, ई जो है वो सबसे टॉलेस्ट है तो ई ऊपर आएगा, तो मिडल में कौन बैठेगा सी, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देर आर सिक्स विलेज ए बी सी डी ई एफ, एफ इज 1 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ डी, बी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, ए इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ई, सी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, डी इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, विच 3 विलेज आर ऑन लाइन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्शन टॉपिक में मिलेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं डायरेक्शन बाय बलविंदर लाइव या फिर बलविंदर सर, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी वहां पे, वहां से जाके आप इस टॉपिक को इजीली फॉलो करके पढ़ सकते हैं और ये आपका फ्री का नंबर है सी सेट के अंदर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्पेशली, बाकी आपके 2 क्वेश्चन करवाए ये भी आसान थे बट ये उससे भी आसान है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि नॉर्थ इसको बोलते हैं, साउथ इसको बोलते हैं, वेस्ट इसको बोलते हैं और ईस्ट इसको बोलते हैं। कई बार बच्चे यहाँ पे वेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, ई को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसको याद करने का तरीका होता है वी, वी का मतलब है डब्ल्यू इस साइड होगा, ई इस साइड रहेगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एफ जो है वो 1 किलोमीटर वेस्ट है डी से, तो अगर डी पॉइंट यहाँ पे है तो 1 किलोमीटर वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट का मतलब समझ लो ना इस साइड को, वेस्ट का मतलब है हमारे पास इस साइड को, तो इस साइड हमारे पास कौन आएगा यहाँ पे, एफ आएगा, वो भी 1 किलोमीटर की दूरी के बाद। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जो बी है वो 1 किलोमीटर ईस्ट है ई के, तो एफ और डी का इन्फॉर्मेशन पता है, बी और ई का नहीं पता, इसको बाद में लिखेंगे, और ए और ई का भी नहीं पता, सी और ए का भी नहीं पता, आगे हमारे पास डी और ए, तो इनमें से डी वाले कंडीशन हमें यहाँ पे पता है क्योंकि डी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस डाटा को फिल करेंगे। डी इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, तो साउथ ऑफ ए है तो साउथ ऊपर होगा, उसके नीचे आएगा क्योंकि साउथ का मोशन है नीचे आना, तो यहाँ पे अगर मैं ए को बिठाऊंगा तो उसके 1 किलोमीटर नीचे हमारे पास यहाँ पे डी होगा, तो हमारे पास ये भी जो लाइन हमारी फिल हो रही है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये हमारा फिल हो चुका है, ये हमारा फिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ए के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको फिल कर लो, जो ए है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ है यहाँ पर ई से, ई के 2 किलोमीटर नॉर्थ है, तो मतलब हमारे पास ई यहाँ पे होगा, तो 1 किलोमीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर ये हो गया, तो 1 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ होगा यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ वाले पॉइंट को ऊपर वाला पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 और 1 2 किलोमीटर, तो ये लाइन भी हमारी फिल हो चुकी है। वैसे उसने पूछा था 3 विलेज बताओ कौन सी लाइन में आएंगे, तो ए डी ई आ तो गए हमारे पास। ठीक है, तो यही आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, बट आगे डाटा हमारे पास बचा उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, तो अगर मैं ईस्ट की बात करूंगा तो इस साइड आएगा, और वो हमारे पास ए का ईस्ट है, तो ए का ईस्ट होगा, तो ए से ईस्ट आएंगे यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, यहाँ पे सी होगा। बी 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, तो ईस्ट ऑफ ई है, तो यहाँ पर इसके 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हमारे पास यहाँ पे बी होगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ए डी ई जो कि लाइन पे है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, ए इज ऑक्यूपाइड नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी, इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, हु इज आर ऑक्यूपाई सीट एडजेसेंट टू डी। हमारे पास टोटल 4 पर्सन है, 1, 2, 3 और 4। मैं चाहता हूँ आप एक इस क्वेश्चन को जरूर एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करें ताकि आपको पता चले कि सी सेट में क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट अगर आपको 1 मिनट में करने के लिए बोला जाएगा तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर एक एक बार ट्राई करें साथ ही साथ वीडियो पॉज करते हुए। ठीक है, अगर मैं अभी की बात करूँ, इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 वेरिएबल है, तो उसने क्या लिखा हुआ है कि जो ए ऑक्यूपाइड नेक्स्ट टू बी, इसका मतलब है ए के साथ बी हो सकता है और बी के साथ ए हो सकता है, इसको बोलते हैं नेक्स्ट टू बी, मतलब इसके नेक्स्ट हो जाएगा या फिर इसके नेक्स्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट, हम जिधर से मर्जी देखेंगे ये साथ में होंगे, तो उसको बोलते हैं नेक्स्ट टू पर्सन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जो ए है, ए के साथ सी नहीं होगा लिखा हुआ है, बट नॉट नेक्स्ट टू सी, मतलब यहाँ पर ए के आसपास सी नहीं बैठेगा, ये कन्फर्म है। सी इज नॉट सिटिंग टू डी, सी के साथ डी नहीं होना चाहिए। आप सारे बच्चे सोच के देखो, अगर मैंने ए बी को पहले में यहाँ पे फिल कर दिया ए और बी, तो डेफिनेटली सी बात है सी डी यहाँ पे होगा, और सी डी आसपास में नहीं आ सकता, इसका मतलब ए बी फ्रंट में नहीं बैठ सकते, तो इसका मतलब है या तो ए और बी को यहाँ पे बिठाएंगे या तो बी और ए को यहाँ पे बिठाएंगे ताकि सी और डी के लिए हमारे पास दूरी बन जाए। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि जो ए है उसके साथ कौन नहीं बैठेगा, लिखा हुआ है कि नॉट नेक्स्ट टू सी, जो ए हमारे पास है उसके साथ सी नहीं होगा, तो ए के साथ सी नहीं होगा, तो यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। ए के साथ हमारे पास यहाँ पे सी नहीं होगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। उसने क्या पूछा है, डी का एडजस्टेंट, तो डी का एडजस्टेंट ए होगा, यहाँ पे भी दोनों पॉसिबिलिटी में सेम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। अज्यूम दैट द आवर हैंड, आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव विदाउट जर्किंग, द क्लॉक शो ए टाइम बिटवीन 8 o'clock 9 o'clock, द टू हैंड ऑफ द क्लॉक आर वन अबव द अदर, आफ्टर हाउ मेनी मिनट नियरेस्ट इंटीजर विल द टू हैंड will be again lying one above other। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। वैसे अगर आप क्लॉक सीखना चाहते हैं YouTube पे सर्च कर सकते हैं आप मेरे नाम से या फिर बलविंदर लाइव YouTube चैनल पे, तो क्लॉक का चैप्टर मिलेगा जिसमें आपको शॉर्टकट वगैरह समझ आ जाएंगे वहाँ पे प्रॉपरली।
अब मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले जो हम दो क्लॉक यहाँ पर मिनट हैंड जो है और आर हैंड जो है ये विदाउट जर्किंग चल रहे हैं, और यहाँ पे आठ और नौ के बीच में, आठ और नौ के बीच में अगर मैं थोड़ी सी आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा यहाँ पे ऐसे, तो आठ का टाइम मान लेते हैं यहाँ पे, आठ का यहाँ पे टाइम मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारे पास नौ, तो आठ और नौ के बीच में ये दोनों जो सुई है एक दूसरे के ऊपर है, जिसको हम जीरो डिग्री एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। जीरो डिग्री एंगल के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, जीरो डिग्री एंगल के ऊपर ये दोनों के दोनों लाइव कर रहे हैं, तो आफ्टर यहाँ पे कितने टाइम के बाद, कितने मिनट के बाद फिर से ये एक दूसरे के ऊपर लाइव करेंगे, ठीक है। तो मतलब नौ और दस के बीच में लाइव करेंगे, क्योंकि उसके नियरेस्ट इंटीजर तो ये हुआ ना साठ के ऊपर, तो साठ के ऊपर आपको पता है कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइव करेंगे, तो ये वाला जो दूरी है मिनट में कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। अब कई बार बच्चे सिर्फ ये वाली दूरी सोचते हैं कि यार ये तो 10 मिनट का आसपास ही होगा, 5 मिनट होगा, एक्चुअली में अगर आप मिनट वाले को चेक करोगे तो मिनट वाला यहां से निकलेगा, ध्यान रखना सारे बच्चे, मिनट वाला यहां से निकलेगा, मिनट वाला यहां से लेकर पूरे के पूरे पहले 60 मिनट यहां तक घूम के आएगा, उसके बाद जो है ये आगे वाले 5 मिनट के आसपास और जाएगा अप्रोक्सीमेट, तो नियर बाय आंसर क्या हो जाएगा 65, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर हो गया सबको? अगर फिर भी किसी को डाउट है, नहीं सर इसका एग्जैक्ट आंसर बताओ कैसे होगा, तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा हमेशा के लिए याद रखना है कि अगर 8 से 9 है, 8 से 9 अगर मैं उसके नेक्स्ट एक घंटे के बाद चेक करूंगा, नेक्स्ट एक घंटे में क्या होता है 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट को हमेशा के लिए 60 बटा 55 से डिवाइड किया जाता है, 60 बटा 55 को कट करके कई बार आपको हर एक बच्चे को याद करवाया जाता है 12 बटा 11, 60 का मतलब है कि 60 मिनट और 55 मिनट का मतलब क्या होगा, जो एक घंटा होगा, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि मिनट वाला अगर 60 मिनट क्रॉस करेगा तो उतने टाइम के अंदर जो घंटे वाला है वो सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट की दूरी तय करेगा, तो 5 मिनट को और घंटे वाले को और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी यहाँ पे 55 मिनट की, तो 55 नीचे लिखा जाता है 60 ऊपर लिखा जाता है। अगर आप याद करना चाहते हैं 12 बटा 11 याद भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 64 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप इस 65 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर ये मार्क कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। 6 बुक्स आर लेबल ए बी सी डी ई एफ आर एंड आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, बुक बी सी ई एफ हैव ग्रीन कवर्स व्हाइल द अदर आर येलो, बुक ए बी डी आर न्यू व्हाइल द रेस्ट आर ओल्ड, बुक ए बी सी आर लॉ रिपोर्ट एंड द रेस्ट आर मेडिकल, विच ऑफ द टू बुक्स आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट हैव ग्रीन कलर्स, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बात की किसकी की जा रही है यहाँ पे ग्रीन की, तो ग्रीन वाले को चेक करना है तो येलो वाले को भूलना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा बी सी ई एफ ही होगा, तो आप ऑप्शन चेक करोगे बी सी ई एफ ही होना चाहिए, तो सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया या नहीं हुआ, क्योंकि सॉरी सी वाला भी होगा क्योंकि यहाँ पे भी तो सी लिखा हुआ है, तो बी सी ई एफ, तो बी सी ई एफ आपके पास सारे ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, तो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ हो सकता है, डी वाला एलिमिनेट हो गया, ए वाला एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ए वाले को बाहर कर देंगे, डी वाले को बाहर कर देंगे, ए वाले को बाहर करेंगे, डी वाले को बाहर करेंगे, ए वाले को बाहर कर देंगे, और कोई दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं दिख रहा, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, मेडिकल वाले, मेडिकल वाले पूछा हुआ है, तो आप सारे बच्चे चेक करेंगे मेडिकल वाले कौन कौन नहीं है यहाँ पे, कौन कौन वाले हैं, ठीक है। तो बी और सी वाले लॉ वाले होंगे, सारे बच्चे चेक कर लो, हमारे पास यहाँ पर बी और सी लॉ वाले हैं, तो ई और एफ बच गया ना हमारे पास, वही तो मेडिकल होंगे, तो ई और एफ इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे अमेजेड में से है, अमेजेड में वैसे आजकल पेपर में नहीं आ रहा है सी सेट के अंदर, ये क्वेश्चन एफ कैड एस एस सी में आते हैं आजकल, बट फिर भी अगर 2014 में आया हुआ है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। एग्जामिन करना है कि ये वाली फोटो हम कहाँ से उठा के बना सकते हैं, सेम टू सेम डिट्टो फोटो बननी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये वाली लाइन जो है आप चेक करोगे, ये वाली लाइन यहाँ पे तो है नहीं कहीं पे इधर को, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया देखती, फिर हम चलेंगे यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन ये वाली लाइन ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पर बिल्कुल आपके पास यहाँ पे ठीक चल रही है, उसके बाद ये छोटी लाइन जो आई, उसके बाद ये छोटी लाइन आई यहाँ पे, फिर ये ऐसे टेढ़ी लाइन हुई, तो यहाँ पर ये वाली लाइन मिसिंग है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हम चलेंगे यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन के ऊपर, लास्ट वाला ऑप्शन में ऐसे चेक कर लेता हूँ, ये भी हमारे पास बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, आप चेक भी कर सकते हैं, हमारे पास ये लाइन बिल्कुल सही है, फिर ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल सही है, फिर यहाँ से ये लाइन बिल्कुल सही है, और उसके बाद ये लाइन, और उसके बाद ये लाइन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये रिलेशन कैसे आया हुआ है, ये क्वेश्चन अगर आप चेक करना चाहते हैं, और टॉपिक का नाम है फिगर मैट्रिक्स, फिगर मैट्रिक्स आप बलविंदर लाइव लिखोगे तो आपको मेरी वीडियो मिलेगी, वहां पर ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाए हुए हैं, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, एफ अकेडमी आजकल ये क्वेश्चन आते हैं,
बट सी सेट में अभी ये क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम है, तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा, आप अगर अभी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इसको ट्राई कर लो। पेपर का पता नहीं है पैटर्न कब चेंज होएगा, बट आजकल आने की संभावना इसकी कम रहेगी, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपके पास फिगर मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ से क्या रिलेशन बना के ये रिलेशन आगे गया, तो इसमें आप सारे बच्चे चेक करेंगे। जैसे पहला आपके पास एरो है, फर्स्ट एरो यहाँ पर देखो, फर्स्ट एरो यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, फिर बाद में डाउन चला गया। फर्स्ट एरो ऊपर है तो यहाँ पे ऊपर है, फिर यहाँ पे डाउन चला गया। तो फर्स्ट एरो ऊपर है तो यहाँ पे भी ऊपर होगा, फिर डाउन चला जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट एरो ऊपर आएगा तो सभी में चेक करेंगे, फर्स्ट एरो सभी में ऊपर है, डाउन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर आपका डी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर सेकंड चलेंगे, सेकंड एरो पहले ऊपर को है, फिर यहाँ पे नीचे चला गया, फिर ऊपर को जा रहा है, मतलब हर बार मूवमेंट करेगा। जैसे यहाँ पे राइट है, फिर लेफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे राइट है, तो यहाँ पे हर बार मूव करेगा, तो यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर में नीचे जा रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर आएगा, तो ऊपर आने का मतलब है ये सेकंड एरो भी आपका ऊपर होगा, इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके पास मिसिंग टर्म के रिलेटेड है। मिसिंग टर्म कौन सी, जैसे हम इसमें ऐसे कोई रिलेशन बना लेंगे या फिर जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई, जो भी आप रिलेशन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में, हमेशा आपको टोटल वाला पहले करना होता है, सबका सम, चाहे रो वाइज करो चाहे कॉलम वाइज, वो आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे ऐड करूंगा इन सभी को, तो इनका सम जो है वो 60 आ रहा है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो इनको ऐड करने पे भी 60 आ रहा है, चेक कर लो सारे स्टूडेंट एक बार। तो यहाँ पर 33 और 19, 9 इसको ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा मेरे पास 12, और 1 कैरी चला जाएगा 52, तो 52 ये बन जाएगा। 52 को 60 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 8 और चाहिए, तो 8 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर मैट्रिक्स, फिर से फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपके पेपर रिलेटेड आ चुका है। जैसे आप चेक करेंगे यहाँ पर आपको रो वाइज ही जाना होता है, कॉलम वाइज भी जा सकते हैं, बट हमें यहाँ पे हर क्वेश्चन में पहले रो वाइज को प्रेफर करना होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर चेक करेंगे हमारे पास 4 सर्कल है, फिर आप चेक करोगे हमारे पास 3 सर्कल है, फिर 2 सर्कल है, इसका मतलब सर्कल डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे आप चेक करोगे सर्कल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 का आपका बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर, कोई हमें सर्कल नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द विद द रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो द नंबर ऑफ द डिफरेंट रूट फ्रॉम एस टू टी, तो एस से टी तक के यहाँ पे कितने रूट रहेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे एस से आपके पास यहाँ पे टी तक जाने के रूट हैं, तो एस से पहले यू जाना पड़ेगा, तो कितने रूट हो जाएंगे, 1, 2, 3, 3 रूट ये हो गए हमारे पास, यहाँ पे क्लियर है। फिर यू से आगे देखेंगे 2 रूट आपको और मिल जाएंगे, फिर आप देखोगे वी से आगे 1, 2, 3 हमारे पास यहाँ पे रूट मिल जाएंगे, तो इनको हमेशा प्रोडक्ट करना होता है रूट आपको जानने के लिए, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे 18, तो टोटल 18 रूट है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका सीरीज से रिलेटेड है, मतलब यहाँ से हम अगर आगे जाएंगे तो ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले इसके अंदर देखो, सारे बच्चों को एक पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, सर्कल होगा तो सर्कल में यहाँ पर मैं इस वाले पोर्शन को बोलूंगा कि लेफ्ट साइड से फिल है, और सर्कल के इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम राइट साइड से फिल है, ठीक है। तो अब अगर आप चेक करोगे पहला सर्कल जो है वो लेफ्ट साइड से फिल है, और ये वाला लेफ्ट वाला अगर आप यहाँ पे चेक करोगे दूसरे पोर्शन में ये यहाँ पे आ चुका है, क्लियर। फिर इससे आगे वाले पोर्शन में लेफ्ट वाला हमारे पास एक एक मूवमेंट करता जा रहा है, वो कि एंटी क्लॉक वाइज, क्लियर है, एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, तो इसके आगे जब जाएगा तो लेफ्ट वाला पोजिशन यहाँ पे होगा, तो मतलब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं लेफ्ट फिलर वाला पोजिशन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे गलत हो गया, और यहाँ पे गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपके पास पहला और लास्ट वाला खत्म है, बच गए 2 ऑप्शन। फिर आप इनमें सारे ऑप्शन चेक करने के बजाय सिर्फ ये चेक करो कि डिफरेंस कहाँ पे है, वैसे तो इनमें सभी में डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि अगर आप चेक करेंगे तो ये पहला वाला जो डब्बा है, अगर आप चेक करेंगे सभी की मूवमेंट करने के बाद पहला वाला डब्बा रिपीट होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड ट्रू है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव ए क्वेश्चन ऑन द वन ऑफ द 8 पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच, द फर्स्ट 4 बिलोंग टू मिडिवल पीरियड व्हाइल द रेस्ट आर कंसीडर मॉडर्न पोइट, जनरली मॉडर्न पोइट फिगर इन द क्वेश्चन पेपर इन अल्टरनेटिव ईयर्स, अल्टरनेटिव का मतलब है कि पहले जो हमारे पास मॉडर्न है अगर मैं उसको रखूंगा तो दूसरी बार मॉडर्न ही आएगा, फिर मिडिवल वाला आएगा, मतलब पहले मॉडर्न फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न फिर मिडिवल, ऐसे काम चलेगा, ठीक है। मतलब अल्टरनेट का कि एक एक साल छोड़ के इन्होंने काम करना है, कि इन्होंने मॉडर्न तो मिडिवल वाले भी एक एक साल छोड़ के काम करेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है जनरली दोज हु लाइक एच ऑल्सो लाइक जी एंड दोज हु लाइक एफ लाइक ऑल्सो ई, द पेपर सेटर डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट एफ, एफ को लाइक नहीं करेगा, वो एफ को पेपर देने की बात नहीं करेगा, क्योंकि एफ ने जो बुक है वो अपने ऊपर लिखी है एफ के ऊपर, बट ही लाइक एफ, मतलब जो पेपर सेटर है उसको एफ पसंद है बट एफ को काम नहीं देगा, ये लिखा हुआ है।
तो ये लिखा है कि लास्ट ईयर जो पेपर था वो ए को मिला था, तो बताओ इस इन्फॉर्मेशन से अब की बार पेपर किसको मिलेगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने ट्राई किया होगा तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन लिखने के साथ सिर्फ आप इतना ही देख लेते हैं अगर इस क्वेश्चन में, कि जो एग्जामिनर है जो पेपर सेट करने वाला है वो एफ को बारे में नहीं पूछना चाहता। एफ को मतलब पेपर नहीं मिलेगा ये तो कन्फर्म है, बट जो पेपर सेटर था वो लाइक तो एफ को ही करता है, और एफ किसको लाइक करता है, यहाँ पर ई को लाइक करता है। एफ लाइक ई आल्सो, दो सू लाइक एफ लाइक ई आल्सो, मतलब अगर पेपर सेटर एफ को लाइक करेगा तो ई को भी तो लाइक करेगा ना, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अगर एफ को पेपर नहीं देगा तो डेफिनेटली ई को मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ सिक्स वुमेन देर आर फोर डांसर, फोर वोकल म्यूजिशियन, वन एक्ट्रेस, थ्री वोलनिस्ट। यहाँ तक डाटा गिवन है। आगे जो आपके पास यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं तो नाम को ना मैं यहाँ पे सिर्फ पहले वर्ड से डिनोट कर दूंगा, जैसे जी एंड वी, जी आर वी आर अमंग द वायलिनिस्ट, वाइल जे एंड एस डू नॉट नो हाउ टू प्ले द वायलिन। ठीक है, यहाँ पर ये सारा डाटा लिखा हुआ है, इसके बेसिस के ऊपर आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं सीधे इसके आंसर के ऊपर जा रहा हूँ। क्लियर, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे सिक्स पर्सन है, या तो आप सिक्स के सिक्स पर्सन नोट कर लो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, सबसे पहले जी लिखा हुआ है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सिक्स पर्सन है, थोड़ा हम यहाँ पे छोटा करके लिख लेते हैं जी, फिर वी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके आगे हमारे पास जे और एस आ जाएंगे, तो जे आ जाएगा, फिर एक एस आ जाएगा, और ये शैलाजा लिखा है, एक टी आ जाएगा, तनुजा। क्लियर, और कोई पर्सन बच गया, यहाँ पे जे भी लिखा हुआ है, वी ऐसे ये भी लिखा हुआ है, और पूजा नंबर बचा हुआ था तो पी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर है, सबका डाटा हमने यहाँ पे ऐसे करते हुए यहाँ पे लिख लिया। क्लियर, उसके अलावा हमें ये चेक करना पड़ेगा, जी और वी जो है वो यहाँ पे वॉलनिस्ट है, तो वॉलनिस्ट के लिए यहाँ पे मैं इसको वॉयलन लिख लूंगा, बात खत्म। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसको मैं इतने में यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। आगे जो है हमारे पास एस जो है और जे जो है वो यहाँ पर वॉलनिस्ट नहीं है, तो यहाँ पर इसको लिख दूंगा ये वॉयलन नहीं है, तो ये भी वॉयलन नहीं है, और ये भी वाला पर्सन वॉयलन में नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है शैलाजा तनुजा अमंग द डांसर, शैलाजा और तनुजा हमारे पास है, यहाँ पर ये वाला पर्सन डांसर है, और यहाँ पे जे वाला पर्सन सॉरी टी वाला पर्सन हमारे पास है, और एस वाला पर्सन जो है ये हमारे पास डांसर है, तो मैंने इनको लिख लिया। आगे लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर जे वाला पर्सन, वी वाला पर्सन और एस वाला पर्सन, टी वाला पर्सन आर द वोकल म्यूजिशियन, ये सारे के सारे वोकल म्यूजिशियन एक ही में लिख दिए। ठीक है, तो हम सीधा लिख लेंगे यहाँ पे जे वाला, यहाँ पे वोकल म्यूजिशियन के लिए वी एम लिख लेते हैं यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए। क्लियर, और वी वाला भी हमारे पास वी एम है, और एस वाला भी मेरे पास वी एम है, और कौन बच्चा तनुजा, वो भी हमारे पास वी एम है। क्लियर, टू ऑफ देम अमंग आर वॉयलिनिस्ट, तो इनमें से दो पर्सन ऐसे हैं जो हमारे पास वॉयलिन वाले भी होंगे, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप सारे बच्चे सोच के देखो, वॉयलिन वाला तो एक पर्सन तो यही हो गया मेरे पास वी वाला, जो कि मेरे पास वोकल म्यूजिशियन भी है और वॉयलिन वाला भी है, और ये दोनों वॉयलिन में जा नहीं सकते, तो तनुजा पर्सन बचा यहाँ पे, वही आपके पास कौन सा होगा, वॉयलिन में आएगा डेफिनेटली। क्लियर हो गया ना, इन चारों में से दो है ये तो जा नहीं सकते, वॉयलिन में लिखा हुआ था पहले, दो बचे गए दोनों में हमने मेंशन कर दिया। जो पूजा है वो एक्ट्रेस है, तो पूजा के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास एक्ट्रेस है, डाटा खत्म। क्लियर, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए सर्टेनली ए डांसर एंड ए वॉयलिनिस्ट, तो डांसर भी है और वॉयलिनिस्ट भी है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर देखो तनुजा के बचेगा हमारे पास, तो इसका मतलब डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर ये डाटा गिवन है, एक बार आप वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना चाहो कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। स्टार्ट करते हैं अभी इसके सोल्यूशन के ऊपर। देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन देखते ही पता चले गया कि यहाँ पे जॉर्ज ने म्यूजिक क्लास अटेंड की मंडे वेडनेसडे ये लिखा हुआ है, तो आप सीधा सीधा ये चेक करो कहाँ तक ये डाटा आपके पास गिवन है। देखो, सैटरडे है तो संडे वाला चेक कर लो, है यहाँ पे संडे का डाटा मुझे दिख नहीं रहा, तो सीधा सीधा लिखेंगे यहाँ पे मंडे, फिर हमारे पास ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे होता वो भी लिख लेते, कोई ऐसे चक्कर वाली बात नहीं है। ठीक है, आप ऐसे बना के चलोगे तो ये क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। क्लियर, सबसे पहले जो जॉर्ज है वो म्यूजिक क्लास अटेंड करता है मंडे को, तो यहाँ पे जी वाला पर्सन है और ये म्यूजिक क्लास अटेंड करता है, तो हमने ऐसा लिख लिया। ही अटेंड मैथमेटिक क्लास ऑन वेडनेसडे, तो जॉर्ज हमारे पास जो है वेडनेसडे को यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास अटेंड करता है। हिज लिटरेचर क्लास आर नॉट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को यहाँ पे लिटरेट की क्लास नहीं होती, ऐसे क्रॉस कर दो इसको साइड में। He attend history class on the day following the day of his mathematics class. तो यहाँ पे जो history की class है वो यहाँ पर कब होती है, history class on the day following the day of his mathematics, mathematics के follow करने के बाद होती है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर Thursday जो होगा वो मेरे पास यहाँ पे history की class लेकर आएगा। Clear? On Tuesday he attend his sports class. Tuesday को उसकी कौन सी class हो जाएगी, यहाँ पे sports class हो जाएगी। If he attend just one subject in a day
संडे क्लासेज है फ्री, संडे की छुट्टी है, देन ही इज ऑल्सो फ्री ऑन, तो इनमें से कौन से दिन में और फ्री रहेगा? अब देखो सारे के सारे तो दिन फिक्स हो गए हमारे पास, ये चारों तो आंसर नहीं हो सकते, और फ्राइडे को लिटरेटर क्लास नहीं होती, संडे उसका मिस है, तो बचा सैटरडे, तो सैटरडे क्लास उसकी लिटरेट की होगी फिर, इसका मतलब है वो फ्राइडे को भी फ्री रहा होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। इन ए रो ए इज 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, बी इज 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट, ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए बिकम 18 फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन ए रो बिटवीन अदर देन ए एंड बी। ओके, अदर देन ए एंड बी पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप रैंकिंग एंड पोजीशन लिखोगे बलविंदर लाइव, तो वहां पर आपको मेरी आधे घंटे की वीडियो मिलेगी जिसमें सारा का सारा रैंकिंग मैंने आपको इस लेवल का करवाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अगर ए हमारे पास है यहाँ पर, बी हमारे पास है, तो ये लेफ्ट वाली पोजीशन से कितना नंबर है, 11 नंबर है, और बी वाला हमारे पास राइट वाली पोजीशन से 10th नंबर है। अगर ये इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला पर्सन यहाँ पे बैठ जाएगा, ये वाला पर्सन यहाँ पे बैठ जाएगा, तो ये वाला पर्सन बी हो जाएगा और ये वाला पर्सन ए। इसको आपको ये भी समझना होगा, जैसे चेयर मान के चलते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ पे चार चेयर है, ठीक है, तो ए यहाँ पे बैठा हुआ है, बी यहाँ पे बैठा हुआ है, मैंने बोला इंटरचेंज कर लो अपनी पोजिशन, तो ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अपनी चेयर को चेंज कर लेंगे, पर्सन ये इधर हो जाएगा, ये इधर, पर पर्सन आपके उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। क्लियर, तो मैंने यही आपको बताया कि बी हमारा इधर आएगा, ए हमारा इधर आएगा, पर्सन वैसे ही रहेंगे, बस अपनी सीट को चेंज कर रहे हैं ये। इस वजह से जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास लेफ्ट पोजीशन से कितनी हो चुकी है, 18 नंबर हो चुकी है, ये क्वेश्चन वालों ने दे रखा है। अब आपको याद रखना पड़ेगा रैंकिंग एंड पोजिशन के लिए, अगर एक चेयर की बात करेंगे, एक चेयर का आपको लेफ्ट राइट पता है, तो उसके अंदर टोटल नंबर निकालने का फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल नंबर, आप इसको याद कर सकते हैं, सारा का सारा फॉर्मूला इसी के ऊपर आपके पास जो रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके रैंकिंग के वाले इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट से हमारे पास 18 था और राइट से हमारे पास 10 नंबर है, माइनस वन करेंगे तो टोटल नंबर 27 होंगे, तो कई बार बच्चे इसका आंसर 27 मार्क करेंगे, उसने लिखा हुआ है इतने पर्सन बताओ अदर देन ए एंड बी, तो 27 के बीच में ए और बी भी तो होंगे, तो दो दो पर्सन यहाँ से माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर 25 आएगा, ए बी को छोड़ के 25 इसमें और पर्सन होंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी 5 एंड 12 सेंटीमीटर किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, द शॉर्टर डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द बी एंड सी, तो इसका आंसर करेक्ट आपका सेकेंड होगा, क्यों होगा वो भी मैं बता देता हूँ इजिली। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है, ये पता है। अगर आपको ये पॉइंट पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है जो डिस्टेंस हमारे पास ए बी और ए सी का कंडीशन गिवन है, बट सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं। जो बी है वो नॉर्थ ऑफ ए है, तो ए पॉइंट यहाँ पे होगा, इसका नॉर्थ ऊपर आएगा, तो ए जो है बी जो है वो ए के नॉर्थ पे बिठा दिया। आगे लिखा हुआ है जो हमारे पास सी है वो ईस्ट ऑफ ए है, तो ए का हमारे पास यहाँ पर ईस्ट इधर आएगा, तो सी पॉइंट यहाँ पे बिठाया होगा, और ए सी की वैल्यू 12 है और ए बी की वैल्यू आपके पास 5 है, और बी सी का शॉर्टर डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमेशा पाइथागोरस लगेगा, बी सी का स्केयर इज इक्वल टू ए बी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर होगा, तो बी सी का स्केयर हमें यहाँ पे फाइंड करना है, और ए बी की वैल्यू कितनी है 5 का स्केयर, और ए सी की वैल्यू कितनी है 12 का स्केयर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 169, बट ये स्केयर था तो इधर आके स्केयर रूट हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 13। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नॉर्मली जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हो, इनकी प्रैक्टिस इतनी लेवल की कर लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि 5 और 12 है तो बचा हुआ 13 ही होगा। ये फेमस एक ट्रिपलेट है, तो इस वजह से आप इसका आंसर डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है करनी इस क्वेश्चन की, तो डायरेक्शन का चैप्टर आप जाके एफकैड कोर्स में से जाके चेक कर सकते हैं, या यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं थ्रू बलविंदर लाइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। इफ थर्ड डे ऑफ द मंथ इज मंडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम द 21st ऑफ दिस मंथ। ये भी चैप्टर मैंने आपको यूट्यूब पे करवाया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं कैलेंडर टॉपिक। ठीक है, वहां से आपको इजीली ये क्वेश्चन आपको सारे समझ आएंगे। इसके लिए सिर्फ ये समझना था कि जो थर्ड डेट है उसके दिन कौन सा डे है हमारे पास यहाँ पे गिवन है, मंडे गिवन है। क्लियर, और पूछा क्या गया, पूछा ये गया है कि 21 के आगे पांचवा दिन कौन सा होगा, तो नंबर आपके पास 26 डे पूछा गया, मतलब 26 जो डेट होगी वो डे कौन सा होगा। तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 3 तारीख को अगर मंडे है, तो 3 से लेकर 26 तक आते आते आपको अगर मैं पूछूं आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो आपको पता चल जाएगा आफ्टर 23 डेज। तो जब भी आपके पास आफ्टर का जिक्र आएगा, तो ये आफ्टर वाले को हमेशा 7 से डिवाइड किया जाता है, और जितना रिमाइंडर आता है
जितना रिमाइंडर आता है उसको इसमें ऐड किया जाता है। मंडे के अंदर 2 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, वेडनेसडे। तो क्लियर हो जाएगा कि 26 को वेडनेसडे होगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हमेशा याद रखें 7 से डिवाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि 7 दिन के बाद अपने आप डे क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और रिमाइंडर को यहाँ पे हमें ऐड करना होता है जो गिवन होता है उसके साथ, क्लियर। और आफ्टर को डिवाइड करना है, ना कि आप 26 को डिवाइड करके आंसर करें, आफ्टर वाले के लिए ये फॉर्मूला रहेगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास ब्लड रिलेशन के साथ एक पजल मिक्स है, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले ये डायग्राम आपके पास जो बनाएंगे इसको आपको समझना पड़ेगा और एक एक पॉइंट भी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी और सी और डी और ई और एफ, यही मेरे पास 6 पर्सन है। और जो भी हमारे पास ये डाटा है इसको हम साइड बाय साइड लिखते जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे डॉट पर्सन, डॉट मैन कौन सा होता है, जो ड्राइंग करता है प्लेन वगैरह के पार्ट्स की, वो होता है, ठीक है। तो कई बार बच्चों को ये नहीं पता होगा, तो इसको आप साइड में एक प्रोफेशन भी मान सकते हैं, क्लियर। तो ये नॉट नेसेसरी इन द ऑर्डर है, जो आगे आपके पास डाटा शुरू होता है वो यहाँ से होता है। ए जो है वो इंजीनियर है, तो ए मेरे पास यहाँ पे इंजीनियर होगा, लिख लेते हैं यहाँ पे, क्लियर। इसको सबसे आसान तरीका क्या होगा अगर आपको पेपर में सॉल्व करना है, वैसे तो इसके बहुत से 3600 तरीके हैं, सबसे आसान तरीका क्या है, जो जो डाटा गिवन है ना आप लिख लो। जैसे ए इज द इंजीनियर इज मैरिड टू ए लेडी, इसकी शादी लेडी से होगी, तो ये मेरे पास यहाँ पे मेल होगा, जिसको ब्लड रिलेशन नहीं पता। बॉक्स को हम मेल मानेंगे, सर्कल को फीमेल मानेंगे, डबल लाइन को हम हस्बैंड वाइफ मानेंगे, सिंगल लाइन को ब्रदर सिस्टर, वर्टिकल लाइन को गैप जनरेशन, लाइक उसके पेरेंट्स या किसी के चिल्ड्रन, क्लियर। ये डाटा आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप इसको भी ब्लड रिलेशन को यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं, क्लियर। अब मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ पर इसकी शादी लेडी से हुई है, तो इसका मतलब ये मेल होगा, क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर ड्राइंग हम ब्लड रिलेशन की दोबारा से अलग से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर साथ में बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। द जज इज ए मैरिड टू ए लॉयर, इसको हम रहने देंगे। एफ इज ए डॉट पर्सन, तो एफ आपके पास यहाँ पर क्या आ चुका है, डॉट पर्सन, क्लियर। एंड इज ए सन, सन का मतलब क्या होगा, ये ऐसे बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। ब्रदर ऑफ ए ई लिखा हुआ है, इसको हम बाद में लिखेंगे। सी इज ए लॉयर, तो सी मेरे पास यहाँ पे लॉयर, क्लियर। आगे आपके पास लिखा हुआ है सी इज ए लॉयर, एंड सी इज द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, डॉटर इन लॉ ऑफ डी की है, तो इसको हम बाद में लिख लेंगे यहाँ पे, इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। डॉटर इन लॉ का होगा तो यहाँ पर फीमेल है तो सर्कल आ जाएगा। इज अनमेरिड, डी इज ए ग्रैंड मदर ऑफ एफ, देर आर टू मैरिड प्रोफेशन, तो यही आपके पास डाटा गिवन है, और कुछ मिस तो नहीं किया हमने, आई होप सबने ये वाला पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या डाटा जो था, ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। ए जो है वो इंजीनियर है और मैरिड किससे है, लेडी से, तो हम लिख सकते हैं ए मेरे पास यहाँ पे शादी, इसको साइड में लिख लेते हैं। ए जो है वो यहाँ पे मैरिड है, किसके साथ है, किसी फीमेल के साथ, जो कि कौन है, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर है, उसके साथ इसकी शादी है। और लिखा है जो जज है वो मैरिड है लॉयर से, जो मेरे पास यहाँ पे जज है वो मैरिड है किससे, लॉयर से। तो सारे बच्चे देखो, जो लॉयर होगा, ध्यान रखना, जो लॉयर होगा वो कौन है, सी। इसका मतलब ये हो गया कि सी की शादी हो चुकी है, सी की शादी किसी मेल के साथ ही होगी, तो जज मेल होगा, बात समझ आ रही है, जज मेल होगा। इसको आपको बाय अंडरस्टैंडिंग आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप ये सीख गए तो सारा क्वेश्चन इजिली होगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे, क्लियर। उसके आगे जो लिखा हुआ है, जज इज ए मैरिड टू ए लॉयर, एफ इज ए ड्रॉट पर्सन एंड इज द सन ऑफ ए बी, तो बी का जो सन है मेरे पास है यहाँ पर, बी का जो सन मेरे पास है वो एफ है, और एफ मेरे पास सन है तो बॉक्स में आएगा, और ड्रॉट पर्सन है लिख दिया मैंने। एंड इज ए ब्रदर ऑफ ए ई, तो ई का ये ब्रदर है तो हम ई को यहाँ पे लिख देंगे, ये भी क्लियर हो गया। सी इज द लॉयर, सी इज द लॉयर एंड डॉटर इन लॉ ऑफ डी, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होगा, जैसे आपका कोई बेटा है या बेटी है, उसका आगे किसी के साथ शादी हो जाएगी, तो उसके साथ हम यहाँ पे इन लॉ लगा देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे इसको भी मैं साइड में लिख लेता हूँ, जो डी मेरे पास है यहाँ पर, सी जो है, सी इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ डी, मतलब डी का कोई यहाँ पे चाइल्ड होगा, डी का यहाँ पे कोई चाइल्ड होगा, उसकी शादी जिससे होगी वो मेरे पास यहाँ पे सी होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि डी का जो भी यहाँ पे पर्सन आएगा वो मेरे पास यहाँ पे जज होगा, क्यों, क्योंकि जज होगा ये, सी मेरे पास क्या था, लायर था, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये लिखा हुआ है लायर, क्लियर। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई यहाँ पर, अगर ये समझ आ गया तो काफी क्वेश्चन आपका सॉल्व जो है वो हो चुका है, क्लियर। फिर भी आपको मैं आगे लेकर जा रहा हूँ, डिटेल में आप पढ़ते जाओगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होती रहेगी। ई इज ए अनमेरिड एंड ए डॉक्टर, तो ई मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ई का प्रोफेशन भी फिक्स हो चुका है। डी इज ए ग्रैंड मदर ऑफ ए एफ, तो एफ की ग्रैंड मदर हमारे पास डी है, तो डी के पेरेंट्स आगे उसके पेरेंट्स जो है वो मेरे पास कौन होंगे, यहाँ पे एफ सॉरी डी होंगे, तो डी यहाँ पे आएगा मेरे पास, क्लियर है। डी इज ए ग्रैंड मदर ऑफ एफ, तो उसकी यहाँ पे
पेरेंट्स के पेरेंट्स होंगे तो ये ग्रैंड मदर आएगा, तो ग्रैंड मदर के लिए फीमेल हो जाएगा, ये भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सन जो है वो जज है, मतलब जो बी होगा इसका सन होगा और बी मेरे पास यहाँ पर मेल आ गया और ये जज होगा। अगर यहाँ पर ये जज होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये मेरे पास जज था, क्लियर। और इसकी शादी किससे हो रखी है, इसकी शादी हो रखी है मेरे पास सी से, सी से इसकी शादी हो रखी है जो मेरे पास लॉयर थी, क्लियर। तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ पर सिर्फ एक ही बच गया, एक ही शादी स्टेनोग्राफर से हुई है, ई मेरे पास अनमेरिड है, एफ यहाँ पे बचा हुआ है, तो गैप जनरेशन की वजह से सिर्फ एक ही डी अकेला बचेगा। तो डी की शादी हम यहाँ पर ए से करवाएंगे, ए मेरे पास मेल था, इसका मतलब डी जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्टेनोग्राफर होगा। आप सारे देखो यहाँ पर ये भी फिल होगे, ये भी फिल होगे। अब पूछा क्या है बी का प्रोफेशन, तो बी का प्रोफेशन क्या है आप चेक कर लो, जजमेंट जज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए कपल ओनली, तो इनमें से कपल कौन से हैं ये आपसे पूछा गया, तो चेक कर लो ए और डी कपल है, बी और सी कपल है। चेक करेंगे हम यहाँ पर ए और डी और बी और सी, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, हमने यहाँ पर 2014 के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी आने वाले टाइम में 2013, 2012 और 11-10 के भी हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल से। बाकी आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको और भी PYQ मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।